हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11 को लेकर। दरअसल दोस्तों, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये ऐलान कर दिया है कि आईपीएल 2021 के जो बचे हुए मैचेस हैं, 31 मैचेस हैं, उसके लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे इंग्लैंड के सभी प्लेयर्स। तो आज मैं बात करने वाला चेन्नई सुपर किंग्स के सैम करन और मोइन अली, जो कि इंग्लिश प्लेयर हैं, इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, वो भी नहीं खेलेंगे, उनके बिना क्या प्लेइंग 11 होने वाली है। तो बड़ा झटका लग चुका है सीएसके की टीम को और बाकी टीमों को भी लगा है। तो सीएसके की टीम की सबसे पहले हम बात करेंगे मोइन अली और सैम करन को कौन रिप्लेस करेगा प्लेइंग 11 में। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर रखें क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास करके सीएसके के फैंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले तो फैफ डू प्लेसी ही आएंगे, यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, फैफ डू प्लेसी सबसे पहले आएंगे। इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा चल रहा था आईपीएल 2021 के पहले हाफ में। दूसरा जो ऋतुराज गायकवाड़ दूसरे नंबर पर आएंगे, ये तो चेंजिंग नहीं होगी ओपनिंग में। तीसरे नंबर पर सुरेश रैना आएंगे, अपनी पुरानी पोजिशन पर वापस आ जाएंगे सुरेश रैना। तो चौथे नंबर पर अंबती रायडू आएंगे, प्रमोशन होगी सभी प्लेयर्स की, बैट्समैन की। तो अंबती रायडू आएंगे चौथे नंबर पर, इनका प्रदर्शन भी काफ़ी अच्छा रहा था मुंबई के अगेंस्ट। फिफ्थ नंबर पर रविंद्र जडेजा, पांचवे नंबर पर आएंगे, थोड़ा सा ऊपर बैटिंग करनी होगी अब रविंद्र जडेजा को, जो कि फिनिशर का रोल अदा करते थे। तो सैम करन की जगह डीजे ब्रावो छठे नंबर पर खेलेंगे, सैम करन की जगह डीजे ब्रावो आएंगे। डीजे ब्रावो कभी बाहर होते कभी आते थे, तो सैम करन की रिप्लेसमेंट के तौर पर डीजे ब्रावो आएंगे। सातवें नंबर पर एमएस धोनी आएंगे, खुद कप्तान एमएसडी आएंगे सातवें नंबर पर। अब हम बात करते हैं मोइन अली की रिप्लेसमेंट की, मोइन अली की जगह आएंगे मिचेल सेंटनर आने वाले मोइन अली की जगह। अगर बाहर आईपीएल होता तो वो कंडीशंस के लिए ये भी बहुत ही अच्छे होंगे मिचेल सेंटनर, और इनको ऊपर भी प्रमोशन किया जा सकता है बैटिंग में, क्योंकि बैटिंग भी अच्छे खासे हिट ये लगा सकते हैं सैम करन की तरह। तो नौवें नंबर पर आते शार्दुल ठाकुर नाइन्थ नंबर पर आएंगे। हालांकि हरिशंकर रेड्डी को मौका मिल सकता है नाइन्थ नंबर पर, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि शार्दुल ठाकुर आएंगे नौवें नंबर पर। दसवें नंबर पर दीपक चाहर, ये तो नो डाउट दीपक चाहर तो खेलेंगे ही हर बार प्लेइंग 11 में सभी मैच सीएसके के लिए, मेन बॉलर हैं सीएसके के। ग्यारहवें नंबर पर जेसन बेरेंडोफ अपने डेब्यू करेंगे सीएसके के लिए। रूंगी एनगिडी का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा नहीं चल रहा, तो जेसन बेरेंडोफ आने वाले हैं ग्यारहवें नंबर पर, जेसन बेरेंडोफ को लाया जाएगा। और कृष्णप्पा गौतम भी आ सकते हैं मिचेल सेंटनर की जगह, इनको भी रखा जा सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंग, इनको रखा जा सकता है अगर कंडीशंस अच्छे रहते। अगर भारत में होता जैसे कि एशिया में होता तो इनको मदद मिल सकती है, मिचेल सेंटनर की जगह आ सकते हैं, तीन ही ओवरसीज के साथ जा सकता है सीएसके। तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी प्लेइंग 11 होनी चाहिए अगर सैम करन और मोइन अली नहीं अवेलेबल होते सीएसके, कैसी प्लेइंग 11 रहनी चाहिए। अगर ऐसी रहनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन पूछे मैं क्यों ने वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।